वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अनुवांशिक विकार हीमोफीलिया के ऊपर। अनुवांशिक विकार हीमोफीलिया, जिसके और भी नाम है, जैसे आप देख रहे हैं ब्लेडर डिजीज को बोलते हैं, शाही रोग इसको बोलते हैं और क्रिसमस रोग भी इसको बोलते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले अलग अलग इनको क्यों कहा जाता है, इस रोग इनका क्यों इनका नाम है बताया गया ऐसा। तो ब्लेडर डिजीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हीमोफीलिया के रोगियों के अंदर क्या होता है, इसके अंदर रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता है, मतलब रक्त की क्लोटिंग नहीं हो पाएगी। और इसका रक्त क्लोटिंग नहीं हो पाएगी क्यों, क्योंकि इसके अंदर रक्त को जमाने वाले जितने भी जो कारक होते हैं उन कारकों का अभाव होता है। बता दूं आपको कि रक्त का जो स्कंदन होता है या रक्त की क्लोटिंग में जो कारक होते हैं वो 13 महत्वपूर्ण कारक होते हैं। उन 13 महत्वपूर्ण कारकों की उपस्थिति के कारण ही रक्त का स्कंदन हो पाता है, अर्थात रक्त का थक्का या रक्त जम पाता है। अब इसके अंदर एक सामान्य, अगर मनुष्य के अंदर अपन बात करें, एक सामान्य व्यक्ति की बात करें कि रक्त के स्कंदन कैसे उसमें हो पाता है, कितना उसका टाइम कंज्यूम है, तो आपको बता दूं एक नॉर्मल जो वुमन होगा उसके अंदर क्लोटिंग टाइम रक्त स्कंदन का टाइम 3 मिनट से लेकर 6 मिनट तक मैक्सिमम टाइम होता है। दैट मीन्स अगर मैं बताऊं आपको कि अगर कहीं भी किसी भी अंग पर चोट लग जाती है और वहां से जब रक्त का स्राव हो रहा है तो 3 मिनट से लेकर 6 मिनट के अंदर अंदर उसके रक्त का थक्का बन जाता है, अर्थात उसके शरीर से रक्त बाहर नहीं बह पाता है। जबकि हीमोफीलिया वाले रोगी के अंदर क्या होगा, नॉर्मल से अगर हम बात करें तो हीमोफीलिया के रोगी के अंदर क्या होगा, वो कारक क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। तो देखिए जैसे मैं बता रहा आपको, रक्त स्कंदन के लिए 13 कारक होते हैं जो कि क्लोटिंग के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लोटिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो क्लोटिंग करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं आगे अपन हीमोफीलिया के प्रकार की। तो हीमोफीलिया 2 प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। अब देखिए हीमोफीलिया ए को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है क्लासिफिक हीमोफीलिया। इस क्लासिफिक हीमोफीलिया में जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 13 कारक होते हैं। उन 13 कारकों के अंदर हीमोफीलिया ए के अंदर कौन सा कारक अनुपस्थित होगा, 8वां। तो क्लोटिंग फैक्टर जो 8 होगा वो क्या होगा, इसके अंदर एब्सेंट होगा या क्या होगा, अनुपस्थित होगा, जिससे रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। जबकि हीमोफीलिया का दूसरा टाइप है आपका बी। इस बी के अंदर क्या है, इस बी के अंदर क्या होता है, आपका क्लोटिंग जो फैक्टर है वो 9 एब्सेंट होगा। ध्यान दीजिए 13 में आपको बताया, उसके अंदर हीमोफीलिया ए के अंदर कौन सा कारक, 8वां अनुपस्थित होगा, जबकि हीमोफीलिया बी के अंदर आपका 9वां जो कारक होगा वो क्या होगा, अनुपस्थित होगा। एक बात और यहां से, हीमोफीलिया बी का जो दूसरा नाम होगा क्रिसमस हीमोफीलिया। क्रिसमस में जैसे मैंने आपको बताया ऊपर क्रिसमस रोग या क्रिसमस हीमोफीलिया, आपको बता दें इसका नाम है क्रिसमस हीमोफीलिया रोग क्यों पड़ा, क्योंकि सर्वप्रथम एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्टीफन क्रिसमस। तो स्टीफन क्रिसमस में इस रोग को देखा गया, इसलिए इस रोग का नाम क्या हो गया आपका, क्रिसमस रोग या क्रिसमस हीमोफीलिया। तो जैसे मैंने आपको बताया ब्लेडर डिजीज में लगातार रक्त स्कंदन कारकों का अभाव होगा, इसलिए लगातार क्या होगा कि लगातार रक्त बहता रहेगा या लगातार यहां से ब्लीडिंग होती रहेगी। जबकि क्रिसमस रोग की मैंने आपको बात की, क्रिसमस रोग सबसे पहले स्टीफन क्रिसमस में देखा गया था, इसलिए इस रोग का क्या नाम पड़ गया आपका, इसका क्रिसमस हीमोफीलिया। तीसरी बात करते हैं शाही रोग या रॉयल डिजीज। शाही रोग या रॉयल डिजीज, देखो नाम से निकल रहा है कि शाही रोग, मतलब ये रोग जितने भी रोग था ये शाही लोगों के अंदर हुआ कैसे था, आप देखिए यहां से, एक इंग्लैंड की क्वीन थी विक्टोरिया, तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया इस रोग की क्या थी, वाह है, दैट मीन्स कैरियर थी। कैरियर का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रोग को ले जाने वाली। तो महारानी जो क्वीन विक्टोरिया थी वो हीमोफीलिया रोग की क्या थी, वाहक थी। अब इसने क्या किया, अपने इस रोग का जो प्रसार था अपने ही पुत्र जिसका क्या नाम था, लियोपोल्ड, तो लियोपोल्ड ने क्या किया, इस हीमोफीलिया को इन्होंने स्थानांतरित कर दिया। अब इसके बाद में क्या हुआ, लियोपोल्ड के बाद के अंदर यह रोग शाही परिवारों में फैल गया, जो कि जर्मनी और स्पेन जैसे शाही परिवार थे वहां पर भी रोग चला गए। अब हीमोफीलिया के रोगों की बात करें तो मैंने आपको बताई, अब आगे अपन बात करेंगे यहां पर हीमोफीलिया रोग के संचरण की या वंशागति किस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हीमोफीलिया के रोग की वंशागति की यहाँ पर बात करेंगे, तो हीमोफीलिया का जो रोग है, तो हीमोफीलिया की बात करें तो यह आपका लिंग सहलग्न क्या है, ये रोग है, लिंग सहलग्न ये रोग है।
लिंग संयोजन रोग है मतलब इसके जो कारक होंगे वो आपके लिंग गुणसूत्रों के ऊपर क्या होंगे, उपस्थित होंगे। ठीक है, लिंग संयोजन रोग है। और आपको बता दूं हीमोफीलिया का जो कारक है, इसका जो कारक है वो एक्स गुणसूत्र पर क्या होता है, उपस्थित होता है। एक्स गुणसूत्र पर क्या होता है, उपस्थित होता है। अब मैं आपको दो बात और बताना चाहूंगा यहाँ पे, ताकि अपने को जब संचरण बनाए तो वहां पे कोई समस्या नहीं है। तो आपको बता दूं, एक होगा वाहक जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो कैरियर, एक होता है रोगग्रस्त, रोगग्रस्त अफेक्ट डिजीज। तो वाहक की बात करें तो यहां पर जो मादाएं होंगी वो क्या होंगी, इसकी वाहक होंगी, जबकि जो नर होगा वो क्या होगा, रोगग्रस्त होगा। अब रीजन लेके चलते हैं, इसका क्यों हो रहा है ध्यान से देखिएगा। रीजन की अपन बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या नंबर ऑफ गुणसूत्र कितने होते हैं, फीमेल्स के अंदर बात करें या मेल की, या फीमेल की बात करें, यहाँ पर एक्स एक्स होता है और यहाँ पर मेल के अंदर क्या होगा, एक्स वाई, जो आप अच्छी तरह से जानते हो। अब यहाँ पे जो एक्स एक्स, देखो आप ये दोनों आप दे रखा है, तो एक्स एक्स हो गया, तो क्या हो गया, समयुग्मजी, क्या हो गया आपका, समयुग्मजी। जब युग्मक के दोनों कारक समान होते हैं तो इसे अपन क्या बोलते हैं, समयुग्मजी। दूसरा देखिए आप नर की बात करेंगे, यहाँ पर एक्स और वाई है, तो यहाँ पे देखो युग्मक के दोनों कारक आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप तो इसको अपन क्या बोलते हैं, विषम युग्मजी, क्योंकि युग्मक के दोनों कारक यहाँ पर क्या हैं, अलग अलग है, इसलिए इसको विषम युग्मजी, जिसको अपन इंग्लिश से बोलते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। अब देखिए आप ये वाह, इसकी मादा वाह, क्योंकि देखो आप इसके अंदर मादा के अंदर गुणसूत्र क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, मतलब क्या होगी, ये समयुग्मी होगी, तो इसका युग्म विकल्पी यहाँ पर अनुपस्थित होता है, जबकि नर में देखेंगे आप एक्स वाई होने के कारण क्या होगा, विषम युग्मज होगा, तो इसका युग्म विकल्पी यहाँ पर क्या होगा, उपस्थित होगा। इसी कारण नर क्या होगा, रोगग्रस्त होगा, जबकि जो मादा क्या होगी, इस रोग की वाहक होगी। अब बात कर लेते हैं, कुछ केस की स्टडीज करेंगे अपन, कुछ केस लेते हैं और केस लेके इस रोग के संचरण को अपन देखते हैं कि कैसे कैसे ये फैलता है। तो तीन केस में इसकी स्टडी करने वाले हैं। केस नंबर लेते हैं अपन, फर्स्ट लेते हैं यहां से। केस अगर फर्स्ट की बात करें तो ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं आप लोगों से। तो यहां पर ले लेते हैं अपन, सामान्य क्या लेते हैं, नर लेते हैं, सामान्य क्या ले लेंगे यहाँ पर, नर, और इसकी क्रिस्टल क्रॉस कराएंगे अपन वाहक के मादा के साथ। तो देखना कैसे कैसे संचरण होता है, ध्यान से देखना बेटा। देखो आप नर क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगा, एक्स वाई, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्स। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसके जो हीमोफीलिया के कारक किसके ऊपर उपस्थित होंगे, एक्स गुणसूत्र के ऊपर, तो आप क्या लिख देंगे, एक्स एच फॉर हीमोफीलिया हो गया। अब आप इसको डिवाइड कर दें, यहां से एक्स के ऊपर एच कारक आ गया, वाई के ऊपर ही आ गया। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, एक्स के ऊपर एच और यहाँ पे, और दोनों का आप क्रॉस कराइए, ध्यान से देखना मैं कैसे करा रहा हूं, एक्स एच ये आ गया आपके पास, इसका किसके साथ करवाएंगे आप, यहां से, तो एक्स एच और एक्स इसका कहां से कराएंगे आप, एक्स एच वाई, लिखने का तरीका देख लीजिएगा आप लोग, एक्स वाई ये हो गया आपका। अब संकृति का अगर विवरण यहाँ पे देखने की कोशिश करें, कैसे इसका विवरण होगा, ध्यान से देखना इसका विवरण आप, एक्स एस एच वाई, तो बताओ क्या हुआ, इस एक्स के ऊपर हीमोफीलिया का कारक उपस्थित है और इसके ऊपर उपस्थित है, तो जब दोनों के ऊपर उपस्थित है तो ऐसी स्थिति के अंदर, दोनों के ऊपर उपस्थित है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, जो कृत्रिम होगी वो क्या होगी आपकी, हीमोफीलिक, क्या होगी, हीमोफीलिक कृत्रिम। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या होगा, एक्स और एच होगा, तो यहाँ पे देखिए एक एक्स के ऊपर है, तो ये क्या होगा आपकी वाहक कृत्रिम, क्या होगी वाहक पुत्री, क्योंकि स्त्री तभी रोगग्रस्त होगी जब जब इसके दोनों एक्स गुणसूत्र पर एच कारक क्या होगा, उपस्थित होगा। अब ध्यान देखिए आप, इस एक्स के ऊपर वाई पे, तो क्या हो गया, पुत्र हो गया, तो लेकिन कैसे होगा, हीमोफीलिक के पुत्र हो गया, क्या हीमोफीलिक पुत्र। अब देखें आगे आप, एक्स और वाई इसके ऊपर कोई कारक उपस्थित नहीं, इसलिए क्या हो गया, सामान्य पुत्र। ठीक है, तो ये लिया हमने एक रोग की वंशागति का संचरण। एक बात और ध्यान से देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे बता देता हूं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे देखो आप, एक्स एच एक्स, तो बताओ ऐसी स्थिति के अंदर जो भी फीमेल होगी वो क्या होगी, वाहक, क्या होगी, वाहक मादा। अब देखिए आप, एक्स एच एक्स ये क्या होगी, रोगग्रस्त मादा होगी। अब देखिए आप आगे, अब इसकी बात करें, एक्स एक्स तो क्या होगी, सामान्य मादा। इसी प्रकार से अपन पुरुषों को देख लेते हैं, एक्स एच वाई तो क्या होगी, हीमोफीलिक के नर, हीमोफीलिक के नर हो गया। अगर आपको ये पता था आप अच्छी तरह से निकाल सकते हैं यहां से,
देखेंगे यहाँ पे एक्स ए वाई, ये क्या हो गया आपका सामान्य नर्व। पांच स्थितियां अगर आपको पता है तो आप यहां से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम में पूछा जाता है, जरा इसको ध्यान से देखना आप लोग। ये तो हो गया यहाँ से, ये पहला जो केस स्टडी मैंने आपको बताया जिसके ऊपर एक क्रोमोसोम्स के ऊपर एक हीमोफिलिक फैक्टर प्रेजेंट है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा, जो ये यहाँ पर ऐसा कुछ नॉर्मल इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा भाई। इसके अंदर एक चीज आपको जरूर यहाँ से ध्यान रखनी है कि जब भी इसके ऊपर ऐसी वहार मादा होगी तो ड्यूरिंग जो आपका आतरु चक्र होगा, मेंस्ट्रुअल जो चक्र होगा, ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, इसके अंदर लगातार कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो सकता है। लगातार क्या होगा, यहाँ पर लगातार ब्लीडिंग हो सकती है किसके अंदर, ऐसी स्थिति के अंदर। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको कि सामान्य नर के साथ कैसी संचरण या कैसी संतरिया में देखने को मिलती है। चलिए दूसरे केस की स्टडीज करते हैं अपन। केस नंबर टू लेते हैं यहाँ से, केस नंबर टू की बात करते हैं यहाँ से। तो देखिए अब की बार अपन चेंज करते हैं यहाँ से, पिछली बार हमने सामान्य नहीं लिया था, तो यहाँ पर क्या लेंगे, हीमोफीलिक हीमोफीलिक नर ले लेते हैं अपन। और अब की बार क्या लेंगे, सामान्य मादा ले लेते हैं। देखिए आप लोग आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको, एक्स एच ए वाई यहाँ पर क्या हो गया, एक्स एक्स लीजिए क्रॉस कर दीजिए, क्या कर देंगे दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यहां से कर दीजिए आप लोग एक्स ए एक्स ए। अब कराइए आप लोग क्या बनेगा, देखो जरा ध्यान से आप लोग, एक्स एच ए एक्स ए इसका इसके साथ एक्स एच ए एक्स ए देखते जाइए आप लोग। अब देखो आप एक्स ए वाई यहाँ पर क्या होगा आपका एक्स ए वाई। अब रो का संचरण देखो आप लोग कैसे कैसे संचरण होगा बताओ, एक्स एक्स है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, जो पुत्री होगी, पुत्री क्या होगी यहाँ पर वाहक होगी, कैरियर डॉटर होगी। यहाँ पे देखो आप लोग ये भी क्या होगी, जो पुत्री होगी वो क्या होगी आपकी वाहक, दैट मीन्स कैरियर डॉटर। अब ये दोनों यहाँ पर देखो जो पुत्र होंगे वो दोनों पुत्र क्या होंगे, सामान्य होंगे। यहाँ पर दोनों को यहाँ पर भी जो पुत्र होगा वो पुत्र कैसा होगा, सामान्य होगा। तो देखिए कुछ अलग अलग स्टडीज केस को लेकर अपन इसके संचरण को यहाँ पे समझ रहे हैं। मैंने दो केस की स्टडी यहाँ पर की, वो पहला था यहाँ पे केस नंबर सेकंड की बात करी। एक और अपन केस लेके बात करते हैं, केस तीन को लेकर एक और स्टडी करते हैं यहाँ पे। अब की बार क्या करते हैं अपन, जो मादा है केस नंबर थर्ड के अंदर वो हीमोफिलिक करते हैं, जो कि रेयर कंडीशन होती है। तो हीमोफिलिक यहाँ पर क्या हो जाएगी, मादा हीमोफिलिक मादा, देखे आप लोग हीमोफिलिक मादा होगी यहाँ से, और नर अपन क्या ले लेंगे, सामान्य नॉर्मल मेल हो जाएगा। देखिए आप हीमोफिलिक मादा है तो मतलब समझ गए होंगे आप, दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होगा, हीमोफिलिक का जो कारक होगा वो क्या होगा, उपस्थित होगा। करा दीजिए आप लोग डिवाइड कीजिए दोनों को, एक्स एच एक्स एच यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एक्स ए वाई, कराइए क्रॉस आप एक्स एच एक्स ए, और यहाँ से क्या करेंगे आप एक्स एच ए वाई, यहां से देखिए आप लोग एक्स एच ए एक्स ए, और यहां से क्या होगा एक्स एच ए वाई। अब संचरण देखो आप लोग यहाँ पे देखो एक्स एक्स है तो जो आप पुत्री आपकी जो प्रोड्यूस हो रही है, उत्पन्न हो रही है, वो कैसी होगी आपकी, वाहक पाक होगी। यहाँ पे जो पुत्र होगा वो पुत्र कैसा होगा, हीमोफिलिक, कैसा होगा हीमोफिलिक। अब यहाँ पे देखो आप यहाँ पे जो पुत्री होगी वो पुत्री कैसी होगी, वाहक, और यहाँ पे जो पुत्र होगा वो कैसा होगा, हीमोफिलिक हीमोफिलिक। तो देखिए आप लोगों को ऐसे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऐसे आपको टर्म्स या ऐसी क्वेरीज आपसे पूछी जा सकती है कि कैसे कैसे यहाँ पे होगा, तो कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ हमने डिटेल से डिस्कस की इन सब चीजों की। अब बात करते हैं इसको हीमोफीलिया रोग उत्पन्न क्यों होता है, कैसे इसके कारण है, कैसे रोग क्या होता है उत्पन्न होता है, तो कैसे उत्पन्न हुआ देखना आप लोग इसके अंदर बात करते हैं कैसे उत्पन्न होगा। तो रोग का कारण, हीमोफीलिया रोग का कारण देखिए आप लोग क्या कारण होगा इसका, कॉजेज ऑफ डिजीज फॉर हीमोफीलिया, देखिए कैसे होगा। तो आपको बता दूं इस रोग का जो कारण होता है वो होता है उत्परिवर्तन, क्या होगा आपका उत्परिवर्तन, और जो उत्परिवर्तन जैसे आप बोलते हो म्यूटेशंस, क्या हो गया आपका म्यूटेशंस। अच्छा बात करते हैं उत्परिवर्तन क्या होता है, बता दो आपको उत्परिवर्तन क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46, उन सूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। अब इसके अंदर कोई भी फैक्टर आपका काम कर सकता है, फैक्टर काम करने से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के जो नंबर होते हैं या तो क्या होंगे इंक्रीज होंगे या फिर क्या होंगे डिक्रीज होंगे, दैट मीन्स 46 की जगह तो 47 हो सकते हैं या फिर 45 पे
हो सकते हैं। तो जिस रोग का कारण क्या होगा, उत्परिवर्तन होगा, और या फिर क्या होगा, इस रोग का कारण म्यूटेशन होगा। अब आपको बता दूं इस उत्परिवर्तन के कारण जो रक्त का स्कंदन होता है, रक्त का स्कंदन होगा तो रक्त का जो स्कंदन होगा, तो स्कंदन बनाने वाली जो जीन होती है वो डिफेक्ट हो जाती है। मतलब उत्परिवर्तन हुआ किसी भी कारण से, लेकिन कुछ रेस्पॉन्सिबल कारक होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हुई, कोई आपका रासायनिक कारक हो गया, ये सब चीजें क्या करती है, उत्परिवर्तन को उत्पन्न करेगी। और जब उत्परिवर्तन को उत्पन्न करेगी, या मैं कहूं सिंपल भाषा में उत्परिवर्तन हो जाएगा, तब जाके रक्त का स्कंदन करने वाली जो जीन होती है, जो उत्तरदायी होती है रक्त के स्कंदन के लिए, वो जीन यहां से डिफेक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। जब ये जीन ही गायब हो जाएगी तो क्या होगा, रक्त का स्कंदन नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, बताइए अब आप लोग, लगातार कंटिन्यूअसली क्या होगा, लगातार क्या होगी, ब्लीडिंग होती रहेगी। और लगातार जब ब्लीडिंग होगी तो ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो ये हमने बात की, एक आनुवांशिक विकार की बात की थी हमने, हीमोफीलिया की कैसे चलता है, कैसे रोग का संचार होता है। आपको बता दूं यहाँ से जो हमने केस लिए थे, तो यहाँ से कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और कुछ छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।